बिहार आज भारत का एक उभरता हुआ राज्य है और औद्योगिक विकास की ओर प्रगतिशील है, पर बिहार में आज भी ज्यादातर लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं। कृषि से जुड़े लोगों में भी 25% से ज्यादा लोग पशुपालन से जुड़े हैं। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और उसकी बिक्री संगठित नहीं थे, इसी कारण से पशुपालन में मुनाफा कर पाना आसान नहीं था और ज्यादा लोग पशुपालन की ओर आकर्षित नहीं होते थे। पहले हमारे गांव में दूध का उत्पादन तो होता था, लेकिन उसको बेचने में परेशानी होती थी, या अगर बेचना होता था तो बहुत दिक्कत से लोग राजगीर, सिलाव या बाजार के लिए बिहार से जाते थे, वो बहुत गिने चुने लोग जाते थे। दूध बिक्री के साथ एक समस्या ये भी है कि ताजा दूध को उसी दिन बेचना लाजमी होता है, वरना वो खट्टा हो जाता है और बेचने लायक नहीं रह जाता। हमारे यहाँ कीड़ा की दवा नहीं देने से बहुत सारी समस्याएं पशु के बारे में आता था। वह समय से पाल नहीं खाती थी और वह बार बार जैसे पैखाना करते थे, वह लीवर खराब हो जाते थे और पशु कुछ दिनों के बाद जैसे उसकी मृत्यु हो जाती थी। मेरा नाम अशोक राय है, ग्राम चांदपुर धमोन, पोस्ट हसनपुर गुर्दा, जिला समस्तीपुर। पहले चारा का बहुत दिक्कत था, हम लोग को नदी के उस पार 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता था, सारे दिन उसमें घासे लाने में हम लोग को टाइम पास हो जाता था। मेरा नाम राज नारायण सिंह हुआ, गांव के सावे, बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड का ये गांव है। मैं पिछले पशुपालन तो लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। पहले दूध उत्पादन तो किसान करते थे, लेकिन स्थिति दो तरह की थी। एक तो जो पशु किसानों के पास थी उसका उत्पादन क्षमता कम था, दूसरी बात जो भी उत्पादन था उसका जो मार्केटिंग था वो मिडिलमैन के मार्फत होता था और बाज़ार भी मात्र लोकल बाज़ार ही था, तो किसानों का जो दूध का मूल्य था वो भी सही नहीं मिल पाता था, उत्पादन क्षमता कम थी, अच्छा जो पोषण चारा वगैरह था उसका भी अभाव था, तो एक बिखरे हुए ढंग से काम चल रहा था। दिक्कतें बहुत थी मगर संभावनाएं भी बहुत थी, बाजार में क्षमता थी। और इन्हीं संभावनाओं के बीच आगमन हुआ एक नई उम्मीद का, आगमन हुआ सुधा का। सन 1983 में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड का गठन हुआ। कॉम्फेड ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के तहत आनंद डेयरी के मॉडल पर तैयार किया गया था। इस डेयरी के दो मुख्य उद्देश्य थे, पहला दुग्ध उत्पादकों से उचित कीमतों पर दूध खरीदकर उसे उपयुक्त दामों पर बेचना और दूसरा उस मुनाफे को दुग्ध उत्पादकों के साथ बांटना। महासंघ का कार्य संपूर्ण रूप से सहकारिता पर आधारित है और ये त्रिस्तरीय संरचना पर कार्य करती है। समितियां दुग्ध उत्पादकों से गुणवत्ता के आधार पर दूध खरीदती हैं और संघ यानी कि यूनियन तक पहुंचाती है। आज हमारी 13,000 दूध उत्पादक सहयोग समितियां पूरे बिहार में कार्यरत हैं। हम लोगों का संग्रहण अभी 18 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। सदस्यों की संख्या करीब 7.5 लाख हमारे किसान हमारे इन समितियों से जुड़े हुए हैं। फेडरेशन के पास कई ऐसे मिल्क प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी लाखों लीटर्स की है।
समितियों द्वारा भेजा गया दूध इन प्लांट्स में इकट्ठा किया जाता है और फिर दूध को पाश्चराइज किया जाता है। इस ठंडे दूध को फिर से टैंकर्स में भरकर या पैकेट्स में भरकर बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। और मार्केट में टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधा होने की वजह से दूध ज्यादा समय तक उपयोग करने योग्य रहता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, दुग्ध महासंघ यानी कि कॉम्फेड का कार्य सिर्फ उचित कीमतों पर दूध बेचना ही नहीं है, वो तो कार्य का केवल एक हिस्सा है। कॉम्फेड का काम है पशुपालकों का सर्वांगीण विकास, जिसके लिए कॉम्फेड हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। जैसे मिल्क कोऑपरेटिव हमारे गांव में खोला और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा टोटल अपना ही गाय तैयार हुआ है और लगभग जो है हमारा दूध उत्पादन अभी 100 लीटर प्रतिदिन औसत का। जैसे दुग्ध सहकारिता यानी सुधा का यहाँ पर शुरुआत हुई तो दूध का मार्केटिंग सुनिश्चित हो गया और इसके साथ ही दूध उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप पूरे जिले का आंकड़ा लेंगे तो दूध उत्पादन उसी हिसाब से बढ़ा है। 1987 के बाद ही मेरे गांव की सोसाइटी जो खुली थी 1987 में 25 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से और अभी 2500 लीटर प्रतिदिन इसका संग्रहण हो रहा है। तो मेरा भी और यहां के पशुपालकों का भी विकास सुधा के साथ ही हुआ है। सुधा ने दोधारी तलवार का काम किया है। दुग्ध उत्पादकों की बिक्री सुनिश्चित करवा के उनका पशुपालन के प्रति रुझान तो बढ़ाया ही है, साथ साथ उनका तकनीकी विकास भी किया है ताकि वो कम लागत पर अधिक दुग्ध उत्पादन कर सके और समृद्ध हो सके। सुधा द्वारा तकनीकी निवेश कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो कार्यक्रम है वह पशुओं के नस्ल सुधार से संबंधित है, दूसरा जो कार्यक्रम है पशु स्वास्थ्य से संबंधित है और तीसरा जो कार्यक्रम है वह पशु चारा एवं खान पान के संबंध में है। नस्ल सुधार में किसानों को सिंगल और क्लस्टर एआई सेंटर्स के द्वारा पशुओं को उनके दरवाजे पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि पशुपालक को उन वहां समितियों से उनको नस्ल सुधार इसमें संभव हो पाता है। मैं एआई वर्कर हूं, मुझे सुधा डेयरी से ट्रेनिंग 1996 में मिली है। मुझे ट्रेनिंग का पूरा जो ज्ञान है वो सिलीगुड़ी में दी गई है, तो हम लोग सुधा डेयरी से उसका ट्रेनिंग करके आए और नस्ल के सुधार हुआ, उसे जाति यहाँ की में बदल गई और बदलने पर उसमें दूध की भी प्रक्रिया बढ़ गई, जिससे लोगों को किसान को अधिक आय होने लगी। पहले किसान को जैसे नस्ल की सुधार नहीं थी तो उसमें दूध की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, उसमें आर्थिक सुधार नहीं हो पा रहा था, उनके बहुत पैसा कम मिलता था। कृत्रिम गर्भाधान करने से नस्ल की सुधार हुआ और दूध की भी बढ़ोतरी हुई, इससे उनको काफ़ी आर्थिक सुधार हुआ और किसानों का हौसला हुआ और अधिक से अधिक गाय पालने लगी। पहले के जो जानवर थे उसमें उत्पादन क्षमता कम था, जब कृत्रिम गर्भाधान हुआ उसे अच्छे अच्छे बासी हुई जिसका उत्पादन क्षमता अधिक हुआ और उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण किसानों को लागत खर्च कम लगा और उसमें अधिक मुनाफा हुआ, जिसके कारण उनका झुकाव इस ओर बढ़ा और अधिक से अधिक लोग पशुपालन की ओर झुके, जिससे गांव का विकास भी बहुत हुआ। इन सब के साथ साथ पशुपालकों को
पशुओं की कुछ गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा था। मैस्टाइटिस, जिसे हम लोग यहाँ थनेला कहते हैं, ये गाय का तो एक बहुत गंभीर बीमारी है और उसके उत्पादन क्षमता को समाप्त कर देती है। गंभीर रूप से अगर बीमारी हो तो इसके बचाव के लिए व्यवस्था हम लोग करते हैं और डेयरी के माध्यम से, सुधा के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दी जाती है और वो दवाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिसके उपयोग करने से मेस्टाइटिस पर रोक लगे। जैसे साफ़ सफाई का है और धोने के बाद एक दवा आती है कॉर्सिलोन, साफ़ करके वो पानी में मिला करके उसके छीमी को उसमें भिंगोते हैं धोने के बाद, जिससे उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो और इससे मेस्टाइटिस का बचाव होता है। और मेस्टाइटिस तो ऐसी बीमारी है कि अगर उसका सही ढंग से उपचार नहीं हो तो गाय का पूरा थन बर्बाद हो जाता है, उसका उत्पादन क्षमता शून्य हो जाता है। सुधा का ट्रेनिंग कैंप चलता है, यहाँ बरौनी डेयरी में भी चलता है और पटना में भी कम्फेड स्तर से, और ये ट्रेनिंग जो है सो बाहर भी, गुजरात वगैरह में भी किसानों का होता है जहाँ पशुपालन के बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ डेयरी में तो लगातार ट्रेनिंग चलता है और उन लोगों का, किसानों का फिर फील्ड विजिट भी किया जाता है कि जहाँ अच्छे पशुपालन हो रहे हैं वहाँ जा कर के किसान देखें। इसके अलावे जो एक चीज़ और है कि हरा चारा पशुपालन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उसका हो गया है। पूर्व में मैं अभियंत्रण रखरखाव इंचार्ज था। ये फैक्ट्री सन 1976 में पशुओं के संतुलित आहार को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। हमारा उद्देश्य है कि किसानों को कम लागत में बेहतर पशु आहार मिले जिससे दूध की गुणवत्ता बढ़े, कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो। पशु आहार कारखाने को खोलने के पीछे यही मकसद था। यहाँ दो प्रकार के पशु आहार बनते हैं कैटल फीड प्लांट में, एक साधारण पशु आहार जिसका ब्रांड नेम है सुधा दान, एवं एक प्रोटीन फीड जो कि प्रीमियम वैल्यू फीड है हमारी, उसका नाम है सुपर सुधा दान। दो प्रकार के पशु आहार हम इस पशु आहार कारखाने में बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो इस संघ स्तर पर जो ये पशुओं में मिनरल मिक्सर की कमी के कारण हुई उसके रिप्रोडक्टिव इफिशेंसी को बढ़ाने के लिए सुधामिन का व्यवहार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है एवं उसका उत्पादन कर और उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाती है। हम लोग को ऐसी बात है जो हरा चारा हम लोग को सुधा डेयरी से हम लोग को मिल जाता है, बीज अच्छा डेयरी से आ जाते हैं तो बीज को हम लोग उपार्जन करके हरा चारा उपजाते हैं तो हम लोग को दूध मिलता है, दूध बढ़ जाती है, खिलाने से पौष्टिक आहार मिलता है माल को और दूध बढ़ने के बाद हम लोग डेयरी सुधा में डाल देते हैं। हम लोग को पहले दूध बेचने में बहुत प्रॉब्लम होता था, कोई ग्राहक ग्राहक मिलता नहीं था, अब सुधा डेयरी आ जाने से हम लोग को अच्छी साधन मिल गई। पहले दूध ज़्यादा उपजता था, बेचने में प्रॉब्लम होता था और अभी ग्राहक ढूंढने की परेशानी से हम लोग को मुक्ति मिल गई। इधर सुधा डेयरी ने कुछ समय से लोगों को आर्थिक मदद के लिए लोन भी देना शुरू किया, तो लोन लेने वाले में मैं भी एक हूँ जिससे कि सुधा डेयरी से हमें सहायता मिली है, जिससे कि लाभ हो रहा है और आर्थिक मदद मिली है। सुधा डेयरी जब आई तो उससे जैसे बार बार जैसे डिवाइनिंग समय समय से कराया गया और उससे जैसे पशुधन का विकास हुआ, वह पहला जिसे उससे लाभ हुआ कि वह समय से वह खाना खाती है और खाना खाने से वह विकास करता है उसका शरीर का, और शरीर जब विकास होता है तो वह समय से वह बच्चा देते हैं और बच्चा देने से पशुधन का विकास होता है, और वह जब पशु बढ़ते हैं तो दूध उत्पादन की क्षमता जैसे बढ़ता है और ज़्यादा दूध होता है तो किसान जो है किसान का आर्थिक स्थिति सुधार होता है। सुधा के संगठित प्रयासों से बिहार के दुग्ध उत्पादकों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। न केवल तकनीकी प्रशिक्षण से उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि पशुधन में भी बढ़ोतरी हुई। लाखों लीटर दूध समितियों से फेडरेशन में विभिन्न दुग्ध संघों के माध्यम से पहुंचने लगा। सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विपणन बाजार में होने लगा, मगर उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ कॉम्फेड के सामने एक और चुनौती आई,
वो चुनौती थी अतिरिक्त दूध का सही उपयोग। इस चुनौती के लिए सुधा ने अपने प्लांट्स में भी काफी तकनीकी निवेश किया। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जिन्हें की उपभोक्ताओं ने और बाजार ने काफी सराहा। लिक्विड मिल्क के साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि लीन सीजन के लिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में दूध का उत्पादन भी घटता है और संग्रहण भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि उस समय में मैरिजेस वगैरह होते, हम उस समय में अपनी बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि जो फ्लश सीजन में जो दूध हमारी आवश्यकता से अधिक आता है उस दूध को लंबे समय तक स्टोरेज करने का एक ही उपाय है कि हम उसको पाउडर के रूप में बदलें या कन्वर्ट करें। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में यही तकनीक अपनाई जाती है, क्योंकि दूध में 85% पानी होता है और बाकी 15% इसमें टोटल मिल्क सॉलिड्स होते हैं, तो ये पानी को उड़ा दिया जाए तो उन मिल्क सॉलिड्स को आप प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं, और जब आपकी आवश्यकता होती है इसी मिल्क सॉलिड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट हम लोग करते हैं और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट और होमोजेनाइज करके उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है। तो ये इस तरह का पाउडर प्लांट हमारे पास फिलहाल 2 पाउडर प्लांट बरौनी में और मुजफ्फरपुर में हैं। ये अत्याधुनिक नहीं है और इसी दृष्टि से एक 30 MT का फुल्ली कंप्यूटराइज्ड अत्याधुनिक पाउडर प्लांट का निर्माण बिहार शरीफ में हम लोग कर रहे हैं, जो सितंबर 13 तक कमीशन हो जाएगा। और इस प्लांट में प्रतिदिन 30 टन मिल्क पाउडर्स बनाने की क्षमता है, और ये बन जाने के बाद बिहार का जितना भी हमारे दूध उत्पादकों का अधिक से अधिक जितना भी दूध संग्रहण होगा हम लोग पूरी तरीके से अपने स्तर पर ही इस्तेमाल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और अभी हमें दूध कन्वर्शन के लिए जो बाहर के राज्यों में दिल्ली वगैरह में भेजना पड़ रहा है पाउडर कन्वर्शन के लिए, वो भी हमारा वो लोड हमारा कम हो जाएगा। और दूध उत्पादकों को कुछ सालों पहले जो मिल्क हॉलीडेज का आघात सहन करना पड़ा उसकी फिर से कोई नौबत नहीं आए, इसी का हमारे पास उत्तर होगा बिहार शरीफ प्लांट के रूप में। कृषि रोड मैप के तहत हम लोग चाह रहे थे कि कॉम्फेड बहुत आगे बढ़े, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग वर्तमान के 15.5 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन से उसको बढ़ाकर कम से कम 44 लाख लीटर तक का दुग्ध संग्रहण करें 16-17 तक। इसके अलावा हम लोग चाह रहे हैं कि 8.34 लाख परिवार हम लोगों से और अधिक जुड़ें, और कॉम्फेड जो है बिहार के प्रत्येक गाँव प्रत्येक कस्बे में पहुँचे और वहाँ से दुग्ध संग्रहण का कार्य कर सके। इतनी बृहत योजना बनाने के लिए हम लोगों ने कई तैयारी भी की है। सबसे पहले तो जो हम लोगों के किसान भाई हैं उनके पास बहुत से टेक्निकल इनपुट्स देने की तैयारी है, जैसे हरा चारा, AI की व्यवस्था, पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था, उसके अलावा कैटल फीड उपलब्ध कराने के बारे में सोचा गया है, और पूरी तरह से किसानों को कॉम्फेड के दायरे में लाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि हम कॉम्फेड के परिवार को और ज़्यादा बढ़ाएं और बिहार की समृद्धि में और श्वेत क्रांति लाने में अपना योगदान दें। आज कॉम्फेड जो भी है वो किसानों की वजह से ही है, किसानों ने हम पर अपना विश्वास जताया है, हम लोगों के साथ वो खड़े हैं, और हम लोगों की हमेशा यही कोशिश है कि कॉम्फेड जो एक किसानों की संस्था है और जिसका सारा का सारा प्रॉफिट भी किसानों में ही बांटा जाता है, उनको हम अपने साथ लेके चलें और उनका विश्वास अपने पे और दृढ़ रखें, ताकि ये कॉम्फेड जो किसानों की संस्थान है वो सही मानों में किसानों के हित के लिए
और किसानों के लिए ही काम करें।